गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉग और पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो फेस देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मॉर्निंग का टाइम है, और बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैंने ब्रश किया और चाय बिस्किट वगैरह खाया है, और आज है घर में बहुत सारे काम हैं, जैसे कि अभी जो विंटर वेयर हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करना है, कुछ चीज़ें धुल के रखनी है, जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह है तो उन सबको धुल के रखूँगी, क्योंकि मम्मी के घर चली गई थी। तो मम्मी के घर से आने के बाद बहुत सारे काम है, वहाँ से जो कपड़े लेकर आई थी वो सारे तो धुल लिए हैं, पर अभी भी पूरा घर मेरा रायते के जैसा फैला हुआ है, तो उन सबको ऑर्गेनाइज करना है। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, तो इसलिए सोचा इंट्रो कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं इंट्रो करना भूल जाती हूँ। इधर से तो मेरा मतलब कि व्लॉगिंग का कोई रूटीन ही नहीं है, मतलब जैसे मर्जी आता है वैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी जो लाइफ है थोड़ी सी हॉच पॉच सी हो रखी है, आप लोगों को पता ही है। सो चलिए आप लोग भी मेरे साथ मेरे काम में बने रहिए, हाथ बटाने को तो नहीं बोलूँगी, बस ये कहूँगी कि मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और बस इतना ही आप लोग हाथ बटा दो कि मेरे वीडियो को पसंद करो, इन्जॉय करो। सो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। तो ये हमारा ब्लैंकेट धुल रहा है, और ये धुल रहे हैं मेरे कपड़े जो कि स्पिन हो रहे हैं। मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है, और यहाँ पे मैं दाल को क्लीन कर रही हूँ ताकि कोई कंकड़ या फिर जो मसूर की दाल में जो होती है लकड़ी वो सब ना रहे। तो दाल जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, मैं इसको दाल चढ़ा दूँगी ताकि हमारा काम के साथ साथ, ये देखो एक ये रह गया था, तो काम के साथ साथ में हमारा जो लंच है वो भी बन जाए, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती हैं उनके तो एक नहीं चार पांच हाथ पैर होते हैं, और जब काम जल्दी होता है तो जल्दी से निपटाना भी पड़ता है। सुबह दाल चढ़ा देती हूँ। तो ये दाल को मैंने वॉश कर लिया दो तीन पानी से, उसमें पानी डाल दिया, और अब हम नमक डालेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल सा दाल बनाती हूँ, और उसमें डालेंगे हम थोड़ी सी नमक और हल्दी, दैट्स इट। अब हम कवर करके तीन सीटी लगा देंगे। तो ये देखो हमारा पानी उबलने को है, अब हम चावल धो देंगे, तब तक ये पूरे अच्छे से उबल जाएगा। ये रहा हमारा चावल, और इसको भी हम तीन पानी से वॉश कर लेंगे। तो देखो जब तक हमने चावल धोया तब तक ये पानी कितना ज़्यादा उबल चुका है, और ये रही हमारी चावल। तो चावल को हमें इस तरीके से डालना होता, मेरी मम्मी जैसे डालती थी मैं बताती हूँ, और गैस का जो ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम पर तो थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे करते, इस वजह से वो थोड़ा सा गंदा हो गया था। ये कहते हैं कि चावल बनाते टाइम यह शगुन होता अग्नि देवता को डालते हैं। एक सेकेंड मैं डाल देती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं हाथ से ही सूट कर रही हूँ ना। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार मिक्स इसको मिक्स मिला लेना होगा, ताकि वो नीचे के तले में ना बैठे। उसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि हमारा चावल पक ना जाए। तो जब तक हमारा चावल पक रहा है तब तक हम खा लेते हैं अपना मूसली। मुझे भूख लगी तो मैं मूसली खा लेती हूँ। तो ये बनाया है मैंने गोभी का भुजिया, दाल में मैंने सरसों लहसुन और लाल मिर्च का तड़का लगाया है। तो ये रहा हमारा लंच, दाल चावल टमाटर की चटनी और आलू गोभी का भुजिया। तो ये है प्रॉपर बिहारी लंच।
गाइस, मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे बच्चों के लिए। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये बच्चों के लिए, मैं भी खाती हूँ, मैंने खुद के लिए भी बनाया है। तो ये मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे, और इसमें आपको जो रेड दिख रहा है तो वो मैंने थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी की है कि मैंने इसमें कैरेट डाल दिया है एक ग्रेट करके, क्योंकि बच्चे पनीर के पराठे तो ईजिली खा लेते हैं लेकिन कैरेट वगैरह वो नहीं खाते हैं। तो पराठे में अगर इस तरीके से पनीर के पराठे में डाल दूँगी तो वो खा लेंगी, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया। और ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ये फर्स्ट टाइम किया और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसमें कैरेट डाला है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स जो है वो मैंने डाले हैं, उसमें मैं कट करके डालूंगी 2 ग्रीन चिली, उसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी जिंजर ग्रेट करके, और एक जो अनियन है वो चॉप करके डाल दूंगी, बिल्कुल फाइनली चॉप करके। और इसमें फिर हम डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एंड इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना तो हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो जाएगी। आटा हमने पहले से ही गूंथ कर रख लिया है, तो हमारा आटा और पनीर दोनों ही रेडी हो गया है। तो आप बच्चों को इस तरीके से दे सकते हो ताकि थोड़ी सी बच्चों को वेजिटेबल्स की भी गुडनेस मिल जाए। तो ये हमने डाला इसमें नमक, और अब हम इनको हाथों की हेल्प से ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हाथों से ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, तो मुझे स्पून वगैरह से उतना नहीं बनता है, तो मैं हाथों को ही अच्छे से क्लीन करके हाथों की हेल्प से ही मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे, पर मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे सूट करना है, फिर मैं सूट करने लगी वीडियो, तो पराठे जो है वो कहीं कहीं से थोड़े थोड़े से फट जाते हैं, जो कि हर एक पराठों के साथ होता है। आप गोभी का बना लो या किसी भी चीज़ का बना लो, और ये इसलिए होता क्योंकि हमारी अनियन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी हो गई थी, अदरवाइज बिल्कुल फाइन चॉप करके जब डालती हूँ तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, या फिर थोड़ी देर बाद बनाती हूँ तब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि अनियन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो उसके बाद जब दोनों साइड से हमारा जो पराठा है वो सिक जाएगा, उसके बाद दोनों तरफ से उलट पलट के अच्छे से घी लगाकर इसको सेक लेंगे। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने पराठों में या किसी भी चीज़ में घी जो है वो कम ही डाल, इसलिए मैं लगर लगर के डाल रही हूँ, जितना चाहिए उतना ही। और ये रहा हमारा पराठा, तो ये है पराठा और टमाटर की चटनी, बिल्कुल बिहारी स्टाइल वाली चटनी। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।